दोस्तों, ये कहानी एक और नए ठरकी लौंडे की है जिसका दिमाग ही कुछ हिलासा होता है। और इस भाई ने अपनी दोस्त की माँ को ही पेल दिया, मतलब टपाटप टपाटप। इसके साथ साथ इसने अपनी फेवरेट टीचर की बीबी को भी घसीट दिया, मतलब ढोल बजा दिया। तो चलिए देखते हैं इसकी काली हरकतों को। मूवी की शुरुआत में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां सभी टीचर्स स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज करने की मीटिंग करते हैं। वहीं स्कूल का प्रिंसिपल कहता है, ये मैं ही डिसाइड करूंगा कि पैंट कौन पहनेगा या चड्डी, वो भी पिंक वाली, क्योंकि मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। आगे दिखाते हैं कि इसी स्कूल में एक जर्मन नाम का टीचर है और वो लौंडा इसी की बीवी को पेलेगा जो सभी बालकों को लिटरेचर पढ़ाता है। और उसने आज इन सभी चोचुओं को असाइनमेंट लिखने को दिया होता है जिसमें लिखना होता है कि इन सभी घंटू राम ने लास्ट वीकेंड में क्या किया है। वहीं जर्मन सर सभी बच्चों के असाइनमेंट को घर पर चेक कर रहा होता है। वहाँ उसकी वाइफ भी होती है जो नंगी धड़ंगी मूर्तियों को बेचने का धंधा करती है और इन्हीं मैडम का ढोल बजाया जाएगा। वहीं जर्मन की बीवी जियाना बच्चों का असाइनमेंट देखकर बोलती है, इन सभी बच्चों को तो बहुत गंदे मार्क्स दिए हैं तुमने। तो जर्मन कहता है, मैंने इन लोलियों को असाइनमेंट लिखने को दिया था पर इन चोचुओं ने तो शायरी लिख मारी, देखो तो क्या लिखा है। जिंदगी झंड है बैगन जैसा, तितली के लाले हैं, मेरी क्लास में सब हिलाने वाले हैं। दूसरे ने लिखा है, सर जी छोटी सी लुल्ली है, लंबा है रास्ता, मुझे क्लास में हिलाना दिया करो, तुम्हें खुदा का वास्ता। तो तुम ही बताओ मैं इन ठड़कियों को कहाँ से नंबर दे दूँ जो कि लिटरेचर के जरा भी करीब नहीं है। वहीं जर्मन की नज़र एक बच्चे के असाइनमेंट पर पड़ती है जिसका नाम क्लोड होता है। वो लिखता है, मैं अपनी मैथ की स्टडी करने के लिए अपने फ्रेंड रैनपा के घर गया था और मैं उसके घर पर काफ़ी दिन से जा रहा था और एक दिन मैंने उसके घर में रैनपा की माँ को देखा जिसे देखकर मुझे चुलबुली मची और मेरे काले सींग में चुल मच गई, क्या पटाखा माल है। और मैंने प्लान बनाया कि मैं इस घर में स्टडी के बहाने उसकी माँ की काली तितली का अमरूद बनाऊँगा। और वैसे भी मेरा दोस्त रैनपा मैथ्स में काफ़ी कमज़ोर है और मैं इसका फ़ायदा उठाकर रैनपा के घर पहुंच गया। मुझे रैनपा को पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरी तलब उसकी माँ को ऐसे ढूंढ रही थी जैसे पैसा कौआ पानी को, राजा रानी को। वहीं मैंने रैनपा को हार्ड सा सवाल दे दिया जिसमें वो उलझा रहे। अचानक से मुझे एक चड्डी की महक आई जो मुझे अपनी ओर खींचते जा रही थी। मैं उस महक के पीछे पीछे रूम में गया जहाँ रैनपा की माँ थी और मैंने तब तक उससे नज़र नहीं हटाई जब तक मेरा औजार खड़ा नहीं हो गया। अब मैं वापस रैनपा के रूम में गया और मैंने उसको वो क्वेश्चन सॉल्व कराया क्योंकि मुझे मालूम था उससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। फिर मैंने कहा, तू तो मैथ्स में बहुत कमज़ोर है, तुम्हें तो डेली ट्यूशन देना होगा। मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मुझे अब इस घर में रोज आना था। और पेज के लास्ट में लिखा होता है, ये कहानी जारी रहेगी, जिसे पढ़कर जर्मन की फटके भाई फटके सो हो जाती है। वो अपनी वाइफ से कहता है, क्या बात है, इस लौंडे ने क्या लिखा है। यहाँ जर्मन उसकी राइटिंग स्किल्स और साहित्य भाषा को देखता है लेकिन उसके काले इरादों को नहीं देखता। लेकिन हम सारे भाई तो जानते हैं कि ये रैनपा की माँ को पेलना चाहता है। और जर्मन भैया, तुम रैनपा की माँ बजवाओ लेकिन ये तेरी लुगाई को भी पेल देगा। यार मेरे एक बात समझ में नहीं आती, ये फॉरेन देश के लोग कैसी स्टोरी बना देते हैं। यहाँ हम स्कूल में बंदीबाजी भी नहीं करते थे तो भी हमारे स्कूल का टीचर हमारी लाल कर देता था। खैर छोड़ो, अब एक सवाल उठता है, क्लोड रैनपा की माँ को पेलना चाहता है तो वो ये बात अपने टीचर जर्मन को क्यों लिख के बताता है। वो चुपचाप भी तो पेल सकता था, ये हमें आगे पता चलेगा। तो जाना मत कहीं, ये मूवी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगली सुबह क्लास ख़त्म होने के बाद जर्मन क्लास में क्लोड को रोक लेता है। जर्मन कहता है, भाई ये क्या लिखा है तूने, पागल वागल हो गया है क्या। अगर ये लेटर रैनपा पढ़ ले या स्कूल के प्रिंसिपल पढ़ लें तो तेरा क्या होगा। क्लोड कहता है, मैंने ये उन सब के लिए नहीं आपके लिए लिखा है सर। क्लोड जर्मन को एक असाइनमेंट देकर चला जाता है। जर्मन ये बात अपनी वाइफ को बताता है कि क्लोड ने फिर से उसे एक असाइनमेंट दिया है। तो वो कहती है, चलो जानू पढ़ते हैं ना कि इसने क्या लिखा है। तो क्लोड लिखता है कि इस बार जब मैं रैनपा के घर गया तो उसकी माँ को तिग्गी बना देख मेरा सफ़ेद खून निकल जाता है और मैं नहीं चाहता था कि वो सीधी खड़ी हो, लेकिन तभी रैनपा बोल पड़ा और पूरा माहौल बिगाड़ दिया। रैनपा अपनी माँ से कहता है, इस बार मैंने मैथ्स में काफी अच्छा परफॉर्म किया है और ये सब क्लोड की वजह से हुआ है। वहीं क्लोड घर में रैनपा की फैमिली फोटो देखकर बोलता है, यही झोपड़ी का मोटा मेरे रास्तों को कांटा है। और वहीं से रैनपा की माँ जा रही होती है तो क्लोड उसके पिछवाड़े को देखकर सोचता है, शादीशुदा भाभियों को पेलने में अलग ही मजा है, अगर पलंग टूट जाए तो अलग ही मजा है। और लास्ट में लिखता है कि ये कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये असाइनमेंट पढ़कर जर्मन की बीवी बोलती है, ये तो बिल्कुल पागल लग रहा है मुझे तो, तुम्हें ये पढ़कर अच्छा लग रहा है क्या, ये अभी 16 साल का पपीता नहीं हुआ है
और ठरक की पीएचडी करके बैठा है। तो इस पर जर्मन कहता है, इसकी बातों से भी गंदी तो तुम्हारी नंगी धड़ंगी मूर्तियां हैं। तो जियाना कहती है, ये मेरा धंधा है, मेरी आर्ट है, इसके खिलाफ एक शब्द नहीं। तो जर्मन कहता है, ऐसे ही उस बच्चे क्लोड की भी ये आर्ट है। अगले दिन जर्मन क्लोड के बारे में जानने के लिए स्कूल में उसके रिकॉर्ड चेक करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि 2 साल में उसकी फैमिली ने काफी घर बदल चुके हैं। यहाँ जर्मन को लगता है शायद ये बेचारा बच्चा परेशान है और उसे एक सही टीचर की नीड है, जैसे मैं। लेकिन हमें तो पता है कि उसकी फैमिली घर क्यों बदल रही है, इस ठरकी लौंडे से परेशान होकर जो हमेशा भाभियों को पेलता रहता है। लेकिन जर्मन वहाँ सोचता है कि वो उसकी राइटिंग स्किल्स सुधारेगा, वो उसे एक बड़ा लेखक बनाएगा। लेकिन क्लोड को लेखक नहीं, जोनी भैया 2 बनना था। इसके बाद जर्मन क्लोड को एक बुक देता है और वहीं क्लोड जर्मन को एक और असाइनमेंट देता है, जिसमें लिखा होता है, मैं फिर से रैनफा के घर गया। इस बार रैनफा के फादर भी घर पर ही थे और अचानक से रैनफा की माँ अपने अंगूर हिलाते हुए मेरे बगल में सोफे पर बैठ गई और इससे मेरे काले बेलन में एक भयानक चुल मच जाती है और इससे मुझे जिस खुशी का एहसास हुआ वो मैं ही समझ सकता हूँ। अचानक से रैनफा के फादर को एक कॉल आता है और वो उठकर वहाँ से चले जाते हैं। तो मैंने यहाँ तुरंत सोच लिया कि इस तरह से फ़ोन आना और रैनफा के फादर का यहाँ से उठ के जाना ही मुझे रैनफा की मदर की तितली का चमगादड़ बनवा सकता है। और मैं तो इमेजिन भी कर चुका हूँ कि रैनफा के बाप और उसकी माँ में फ़ोन को लेकर लड़ाई होगी और रैनफा की माँ मेरे हत्थे होगी। ये पढ़कर जर्मन बोलता है, तुम्हारे लिखने का स्टाइल तो मस्त है, पर तुम इतना अजीब क्यों लिखते हो? ओ भाई मारो, मुझे मारो, ये कैसा टीचर है जिसे ये सब अच्छा लग रहा है, खैर छोड़ो। वहीं क्लोड जर्मन से बोलता है, सर जी तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो? तो जर्मन कहता है, मुझे तेरे लिखने का तरीका बहुत पसंद है और मैं तुझे एक अच्छा राइटर बनाना चाहता हूँ। इसके बाद जर्मन फिर से असाइनमेंट जियाना को पढ़वाता है और इस पर जियाना कहती है, मैं तुम्हारी ये बात मानती हूँ कि ये बच्चा राइटिंग स्किल्स में गॉड गिफ्टेड है, लेकिन ये ठहरक और हवस में भी गॉड गिफ्टेड है, साफ साफ नजर आ रहा है। और ऐसा लग नहीं रहा तुम उसे लिटरेचर पढ़ा रहे हो, बल्कि वो तुम्हें पढ़ा रहा है और मुझे भी। टेंशन क्यों ले रही हो आंटी, आगे तुम इसके साथ ही हवस का पाठ पढ़ोगी। अगले दिन क्लोड फिर से जर्मन को एक असाइनमेंट देता है, जिसमें लिखा होता है कि मैंने फिर से रैनफा को एक मैथ्स के क्वेश्चन में उलझा दिया और मैं छुपके से रैनफा की मोम के कमरे के बाहर आ गया, जहां रैनफा की माँ और बाप बहस कर रहे होते हैं, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। अभी ये बहस कर रहे हैं और आगे ये बहस लड़ाई में बदल जाएगी और रैनफा की मोम को मैं अपने जाल में फंसा लूँगा। लेकिन तभी रैनफा की मोम रूम से बाहर आ जाती हैं। वहीं क्लोड रूम के बाहर पेंटिंग को देखने का बहाना करने लगता है, लेकिन रैनफा की माँ समझ जाती है कि ये लौंडा हमारी बातें सुन रहा था। इसके बाद रैनफा की माँ उसके बाप से बोलती हैं कि हमें रैनफा के लिए एक अच्छा टीचर रखना होगा, क्योंकि मुझे इस लड़के क्लोड की नज़र ठीक नहीं लगती है। और ये सब बात क्लोड रूम के बाहर से सुन रहा था। वो समझ जाता है कि इसकी माँ मुझे अब यहाँ आने नहीं देगी, मुझे इसका कुछ करना ही होगा। और लास्ट में लिखता है कि कहानी अभी बाकी है। ये पढ़कर जर्मन की वाइफ कहती है, जान ये सब सही नहीं है, कहीं तुम क्लोड से रैनफा की मत बजवा देना। लेकिन जर्मन कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरी जान, इस उम्र में बच्चों में ये फैंटेसी होती है, वो शादीशुदा भाभियों को पेलने में लगे रहते हैं। इस बात से जर्मन की बीवी का मूड बन जाता है और वो उसे चुम्मा देने लगती है। वहीं जर्मन कहता है, सो जा नंगी धड़ंगी और मुझे लेटर पढ़ने दे। अगले दिन जर्मन क्लोड से कहता है, तुम्हें अपने लिखने के तरीकों को बदलना पड़ेगा, तुम लिखते तो अच्छा हो लेकिन तुम्हारा हवस वाला टॉपिक बड़ा बेकार है और ये प्रिंसिपल ने पढ़ लिया तो वो मेरी फाड़ देंगे, कमेंट करके बताओ क्या। इस पर क्लोड कहता है, अब तो वैसे भी मैं लिखना छोड़ दूंगा। तो जर्मन कहता है, क्यों क्या हुआ? तो क्लोड कहता है, रैनफा की मॉम न्यू टीचर रखने की बोल रही हैं और वो मुझे अब अपने घर में आने नहीं देगी। अगर तुम चाहते हो मैं लिखता रहूं तो तुम्हें मेरे लिए मैथ्स का पेपर चुराना होगा। अगर मैं ये पेपर रैनफा को दे दूंगा वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आएगा, तो उसकी मॉम रैनफा के लिए न्यू टीचर नहीं लाएगी, जिससे मैं रैनफा के घर रेगुलर जा पाऊंगा। लेकिन इस बात पर जर्मन कहता है, मैं चोरी नहीं करूंगा, अगर तुम रैनफा के घर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, तुम इमेजिन करके लिख सकते हो। क्लोड कहता है, नहीं नहीं, मैं उसे देखे बिना एक लाइन नहीं लिख सकता मेरे यार, तुम्हें वो पेपर लाना ही होगा। लेकिन जर्मन उसे साफ मना कर देता है। अगले दिन जर्मन क्लोड को रोकता है तो क्लोड साफ बोल देता है, जब तक तुम पेपर लेके नहीं आओगे तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा। लेकिन बेचारा जर्मन फाइनली मैथ्स के पेपर को चुरा ही लेता है और वो रैनफा को दे देता है। और वहीं क्लोड रैनफा को ऐसा पाठ पढ़ाता है जिसको मैथ्स में कुछ नहीं आता था वो भी टॉप कर देता है। लेकिन रैनफा को क्या पता था, रैनफा को तो भनक भी नहीं होती कि मैथ्स के पेपर के बदले क्या दाव पर लगा है। और ये देख रैनफा के पेरेंट्स काफी खुश होते हैं, वो कहते हैं ये सब रैनफा की वजह से हुआ है, उसने रैनफा को अच्छा पढ़ाया है। वो कहते हैं अब आगे भी क्लोड रैनफा को ट्यूशन पढ़ाएगा और ये सुनकर क्लोड जी तोड़ खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रैनफा बोलता है, बेटे तूने ये पेपर जर्मन सर से लिया है ना, तो
तो क्लोड कहता है तू इससे दूर रहियो वरना तुझे बहुत पेलेगा वो। मेरे मन में एक सवाल आया कि क्लोड रैनपा को ये सब क्यों बोल रहा है और हमें ये आगे पता चलेगा। एक दिन रैनपा और उसके फादर फुटबॉल खेलने जा रहे होते हैं तो रैनपा क्लोड से कहता है तू भी चल रहा है क्या खेलने, लेकिन लौंडे ने मना कर दिया क्योंकि वो सोचता है जब ये दोनों घर से बाहर जाएंगे तो रैनपा की माँ घर में अकेली होगी और यही मौका होगा कि मैं उसे पेल दूंगा। इसके बाद जब बाप बेटे दोनों खेलने जाते हैं तभी लौंडा रैनपा के घर पहुंच जाता है जहां उसकी मॉम कहती है रैनपा घर पर नहीं है बेटा, लेकिन क्लोड कहता है मैं जानता हूँ मैं तो अपनी मैथ्स की बुक लेने आया हूँ। तो रैनपा की माँ उसे अंदर बुलाती है, आंटी तुमने बुला तो लिया है अब देखो क्या होगा। इसके बाद वो मैथ्स की बुक ढूंढने लगते हैं लेकिन वो मिलती नहीं है और मिलेगी कैसे वो बुक थोड़ी आंटी तुम्हें ठोकने आया था। और बातों बातों में वो उसके करीब आ जाता है और जब ये सब जर्मन की वाइफ जियाना पढ़ती है तो वो बोलती है बेटा अगर ये सब रैनपा और उसके बाप ने पढ़ लिया ना तो क्लोड की गोटियां ही काट देंगे। अगले दिन जर्मन फिर से क्लोड का असाइनमेंट जियाना को पढ़ने को देता है तो जियाना कहती है क्या तुम भी इस सनकी लौंडे की तरह सनकी हो गए हो क्या जो बार बार मुझे ये असाइनमेंट पढ़वाते हो, जब से ये बच्चा तुम्हें मिला है तुमने मुझे पेला भी नहीं है, तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया इस लड़के से। तो रैनपा कहता है नहीं जान ऐसा कुछ नहीं है। और जर्मन फिर से असाइनमेंट पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है जर्मन मेरा खास दोस्त है और वो अचानक मुझे किस करने लगता है जहां हमें पता चलता है कि ये लोलू मीठा है और इसके सामने वाला खट्टा है। और हम समझ जाते हैं कि उस दिन क्लोड ने रैनपा को जर्मन से अलग रहने को क्यों बोलता है, कहीं जर्मन और क्लोड पेलमपाली शुरू ना कर दे। तभी रैनपा का बाप आ जाता है, वो कहता है हाँ भाई आज सोना नहीं है तुझे क्या, क्योंकि अंकल ने आज आंटी को पेलन की बात कर रखी थी। लेकिन क्लोड को पता होता है कि आज ये पेलेगा, वो उन्हें ठुकाई करते हुए देखता है, वो सोचता है यार मेरी बारी कब आएगी। लेकिन ठीक से ना ठोकने पर वहीं रैनपा की माँ और बाप की लड़ाई हो जाती है और ये सब क्लोड देखता है, वो सोचता है यही मौका है आंटी को पेलने का। लेकिन क्लोड रैनपा की माँ को एक ठुकाई लेटर दे देता है। अगले दिन रैनपा की माँ क्लोड को अकेले में बुलाती हैं, हाँ बेटा ये कैसा लेटर था। तो क्लोड कहता है वो ठुकाई लेटर था और मुझे तुम्हारी लेनी है नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन क्लोड वहीं इमेजिन करने लगता है कि जर्मन भी वहां पर आ गया है, ओहो लौंडे ने ठुकाई लेटर भी दे दिया और हमें कुछ पता भी नहीं है। तभी रैनपा की माँ को कौन सा चस्का चढ़ता है, वो झपाक से क्लोड से चुम्मा चपाटी करने लगती है और अब क्लोड की मंजिल उसे मिल ही जाती है, यानी रैनपा की माँ की पलंग तोड़ जमीन तोड़ जी तोड़ ठुकाई। लेकिन ये कांड करते हुए रैनपा उन दोनों को देख लेता है और वो रूम में जाके अपना मामला तमाम कर लेता है और असाइनमेंट में लिखा होता है कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये पढ़कर जर्मन की फटके 64 हो जाती है, वो तेजी में स्कूल जाकर वहां रैनपा के घर कॉल करता है जहां उसे पता चलता है कि उसे फीवर है सो वो स्कूल नहीं आया। और ये सुनकर जर्मन की जान में जान आती है, चलो क्लोड ने ये बात झूठ लिखी थी। तभी जर्मन क्लोड के पास जाता है, जर्मन कहता है तूने हद पार कर दी, आज से मैं तुझसे कोई असाइनमेंट नहीं लूंगा। लेकिन क्लोड उसे एक और असाइनमेंट देता है लेकिन जर्मन उसे लेता और क्लोड उसे वहीं फेंक कर चला जाता है। लेकिन जर्मन से रहा नहीं जाता, वो उसे उठाकर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है आज क्लोड के डैड उदास होकर घर आते हैं क्योंकि उसकी जॉब छूट गई है। वहीं क्लोड की मॉम उसे कुछ बताने वाली होती हैं, हमें लगता है कि रैनपा की मॉम उसे अपनी पलंग तोड़ ठुकाई के बारे में बताएंगी, लेकिन वो उसे बताती है जानू मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर उसका पति हैप्पी होकर एक चुम्मी ले लेता है। तभी रैनपा आता है, वो कहता है अब से मैं क्लोड से नहीं पढ़ूंगा, मुझे न्यू टीचर चाहिए। असाइनमेंट में लिखा होता है कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। भाई साहब कब खत्म होगी तेरी कहानी, लिखते जा रहा है लिखते जा रहा है, कहीं मेरे सारे भाई इतनी लंबी वीडियो समझकर मूवी ना देखें, जल्दी खत्म कर क्लोड भाई। अगले सीन में रैनपा क्लोड से लड़ने आता है, रैनपा क्लोड से कहता है मैंने तुम्हें अपना जिगरी यार माना था, तूने तो मेरी माँ का गेम बजा दिया। तो क्लोड कहता है हाँ बे तूने भी मेरी उस दिन चुम्मी लेके मेरे होठ काट दिए थे तो तू मेरी माँ पे लेगा। और रैनपा क्लोड को भर भर के मारता है। इसके बाद क्लोड के पास जर्मन आता है, वो कहता है अब वो फैमिली खुश है तुम्हें उनके बीच में नहीं जाना चाहिए। तो क्लोड कहता है अब मैं कुछ नहीं लिखूंगा। तो वहीं जर्मन कहता है अपनी स्टोरी का एंड तो कर दो दादा, ये कैसा मास्टर है भाई, पहले मना फिर वही काम करवा रहा है। इसके बाद क्लोड अपनी असाइनमेंट की एंडिंग के लिए रैनपा के घर के बाहर जाता है। वहीं रैनपा की माँ क्लोड को देखकर दौड़ी दौड़ी चली आती है, वो उसे उसका लेटर वापस देती है। वहीं क्लोड कहता है चलो हम कहीं भाग चलते हैं। तो रैनपा की मॉम कहती है बेटा तुम अभी बच्चे हो, उस दिन जो हुआ जाने अनजाने में हो गया था। वहीं क्लोड रोते हुए उसको किस करके चला जाता है। तो क्लोड सोचता है ये तो एंडिंग नहीं हुई और वो जर्मन की वाइफ के पास चला जाता है। वो कहती है जर्मन तो स्कूल गया है। क्लोड कहता है जब ही तो मैं यहाँ आया हूँ। वो उसे अंदर बुलाती है, बातों बातों में क्लोड कहता है तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। तो वो कहती है हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। तो इस पर क्लोड कहता है मुझे तो जर्मन बता रहा था कि तुम बांझ हो और वो मुझे गोद लेने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन भाई ये झूठ बोल रहा है।
जिससे जियाना जर्मन से नफरत करने लगे और ये उसे पेल दे। थोड़ी देर बाद क्लोड जियाना के साथ पलंग तोड़ जी तोड़ कर डालता है। तो यहाँ इसने सबको पेल दिया और इसको असाइनमेंट की एंडिंग मिल जाती है और वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जर्मन को स्कूल से निकाल दिया है क्योंकि रैनफा प्रिंसिपल को बता देता है कि जर्मन ने मैथ्स का पेपर क्लोड को चुरा के दिया था। अब बेचारा जर्मन अपना मुंह लटका के घर आता है। वो क्लोड की एंडिंग पढ़ता है और उसे एक और सदमा मिलता है कि क्लोड ने उसकी वाइफ को भी पेल दिया। वहीं जियाना भी जर्मन को छोड़कर जा रही होती है। वो कहती है, तुमने मुझे बांझ कहा था ना, इसलिए मैंने क्लोड से पिलवा ली, अब तुम जर्मन को अपना बेटा नहीं बना पाओगे। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जिसमें एक बेंच पर जर्मन बैठा होता है। वहीं क्लोड आता है तो जर्मन कहता है, अब क्या मेरी भी लेगा भाई, चैन नहीं है तुझे। लेकिन क्लोड वहीं बैठ जाता है तो जर्मन सोचता है, इसकी वजह से मेरी जॉब चली गई और मेरी वाइफ भी चली गई और मैं पूरा झंड हो गया हूँ। और वहीं क्लोड सामने बिल्डिंग में देखता है, वो सोचता है अब किस घर में जाना चाहिए। और मूवी के एंड में लिखा होता है, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। दोस्तों इस मूवी का नाम है इन द हाउस, जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी, जिसे IMDB पर 7.4 की रेटिंग मिली है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक कमेंट जरूर किया करो यार, कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है।